मुझे दो, मैं आपको पटका बांध दूं। पैम का पटका मैं मम्मा ही मान देगी, हमेशा वो ही मानती है। हाँ परम पुत्र, लेकिन अब छोटे बेबी के आने के बाद मेहर मम्मा के पास टाइम नहीं है ना, इसलिए हरलीन बुआ बांधेगी। दी मैं ये कर देती हूँ, आपको पटका मेहर मम्मा ही बांधेगी। देखा बुआ क्या खा था परम ने? चलो परम पुत्र, मेहर मम्मा आपको बटका बांधती। ओके। सामने देखो, पलम भैया को ये पुराना पटका नहीं, ये न्यू पटका बांधो। लेकिन ये तो रो रहा है। नहीं पुत्र जी, ये रो नहीं रहा है, ये मेहर मम्मा से बात कर रहा है। सच्ची मेहर मम्मा? आओ पुत्र जी आओ, आपको भी सुनाते हैं कि छोटा बेबी क्या कह रहा है। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करो। छोटा बेबी, पलम भैया को भी बताओ ना आप क्या बोल रहे हो। छोटा बेबी बोलो ना, आप क्या कह रहे थे? छोटा बेबी ये कह रहा है कि ये न्यू पटका सबसे बेस्ट लग रहा है। हाँ मैं मम्मा, अब परम को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। छोटा बेबी से पूछो ना, उसको परम भैया अच्छे लगते। छोटा बेबी, आपको परम भैया अच्छे लगते हैं ना? ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अजय जी, वो शायद सरब जी आपको बुला रहे हैं, मैंने भी आवाज सुनी उनकी जी। आप जाके देखिए ना। ललिता जी, ललिता जी ये क्या है? कोई मेडिसिन है क्या? नहीं मैडम, ये मेडिसिन नहीं है, ये वो ग्रीन टी है, मैं कई सालों से ये पी रही हूँ, सेहत के लिए अच्छी होती है। वो आप आए तो मेरे, मैं साफ कर देती हूँ। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं ये किसी को बोल दूंगी। नहीं मैं कर लूंगी। मम्मा, पम का टिफिन रेडी है?
यस, बिल्कुल रेडी है। गेस करो आज मम्मा ने क्या बनाया। मलाई कोफ्ते एंड परांठे, परम के फेवरेट। परम को मलाई कोफ्ता नहीं खाना। पर परम पुत्र, मलाई कोफ्ते और परांठे तो आपके फेवरेट है ना? परम को समोसे खाना है। परम के लिए समोसे मनाओ। परम पुत्र, मैदा और तली हुई चीजें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। परम को समोसे खाने बस, परम को और कुछ भी नहीं खाना है। टिफिन नहीं चाहिए। परम, मेरी बात तो सुनो। परम, परम को मलाई कोफ्ते नहीं खाने, परम को समोसे खाने। परम, परम मेरी बात तो सुनो, इधर आओ। इधर आओ। आपको पता है कितने टेस्टी बने मलाई कोफ्ते? परम को मलाई कोफ्ता नहीं खाना, परम को समोसे खाने। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अब अच्छे बच्चे हो ना। आपके लिए क्या अच्छा है क्या हेल्दी है ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। आज आप मलाई कोफ्ते ही खाओगे। चलो बाय। परम, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब देखो भिंडी बनाते रहते हो, मैं कैसे कल से आपको भिंडी खाने वाला लगता हूँ? यूवी, ज्यादा जुबान चलने लग गई क्या तेरी? हाँ लगाओ ये खींच के। एक नहीं दस लगाओ, लेकिन मेरे को समोसा ही खाना है। कोई जरूरत नहीं है, बाहर का चटरपटर खा के ना तेरे दिमाग और जुबान ना दोनों खराब हो गए। अब तू ना ये घर की भिंडी और परौंठी खाएगा, ठीक है? ये पकड़। मेरा क्या है, बाहर निकलते कुत्ते को डाल देनी है मैंने। पैसे दो पैसे। जिस कुत्ते को डालेगा ना ये रोटी, उसी कुत्ते से पैसे ले लेना। दादी गुरुद्वारा गई हुई है, वरना मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं थी। आई समझ? चाची यार थोड़े पैसे दो। मैं तुझे कहाँ से दूँ पैसे, मेरी तो अपनी जेब पे काल पड़ा रहता है। चाचे पैसे दे। योगी पुत्र, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तुमने हम सब में से किसी को देखा बाहर का कुछ खाते हुए? बच्चा नहीं हूँ मैं, सब पता है मेरे को। बाहर से कोई खाना तो खाता नहीं। अभी एक मिनट रुको, बताता हूँ। बाहर से कोई नहीं खाता, तो फिर ये क्या है? पिज्जा के इतने डब्बे, ये तो आज के हैं। कल मैंने ऐसे 12 डब्बे देखे थे। घर में कोई पीछे पे पिज्जा चबा रहा है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने 5 समोसे के पैसे क्या मांग लिए, पर मैं स्यापा पड़ गया। मैंने बोला पैसे दो चुपचाप। 1 2 3 4 5 ये लो पुत्र जी, आप स्कूल जाकर आज समोसे खाना। जितने चाहे उतने, और अपने सब फ्रेंड्स को भी खिलाना। लो पुत्र जी, आपको जो कुछ भी चाहिए हो ना मुझे बोला करो, अपनी हरलीन बुआ को। ये लो, शाबाश। पापा, परम की पॉकेट मनी। One minute. सरबजीत जी, परम को पॉकेट मनी की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप बहुत छोटे हो पॉकेट मनी के लिए, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको मिलेगी पॉकेट मनी। नहीं बुआ, मैं मम्मा कहती है स्कूल में पैसे लेके नहीं जाते, जो भी लेना है मम्मा पापा ही दिलवाएंगे। लेकिन पुत्र जी, अगर आप पैसे नहीं ले जाओगे तो स्कूल जाकर अपने फेवरेट समोसे कैसे खाओगे? ले लो, शाबाश, अच्छा बेटा मेरा। नो बुआ। क्या ट्यूनिंग है दोनों की। ठीक है पुत्र जी, फिर जाकर अपने टिफिन वाले मलाई कोफ्ते खाओ। चलो अंकल। नो, हेलो पिज्जा कॉर्नर,
अब वीर जी, मैं राणा बोल रहा हूँ। उस सरपंच जी के घर से ऑर्डर लिखी है, 7 पिज्जा और 3 बड़ी कोल्ड ड्रिंक, जल्दी भिजवा दीजिए। हैं? वो वीर जी क्या है ना कि मेरी बीवी 12 बजे सो के उठती है, तो उसके उठने से पहले मुझे सारे पिज्जा उसके सामने सजाने होते हैं। आहो जी। और हाँ वीर जी, ऑर्डर पिछले वाले दरवाजे से भेजना, और साथ में चिली फ्लेक्स और सॉस भी एक्स्ट्रा भेजना। ऑर्डर कैंसिल करवा। इस घर में ना बाहर का कोई खाना नहीं आएगा। तूने देखा नहीं यूवी कैसे बिगड़ रहा है? और तू मुझे दे इधर फोन। हेलो भैया, ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। अभी इस घर में ना कुछ मत भेजना। वीर जी, ऑर्डर नहीं कैंसिल होगा मेरा ऑर्डर, आप फटाफट घर भेजो। कुछ भी पसंद हो, लेकिन इस घर में ना बाहर का खाना बिल्कुल नहीं आएगा राणा, मैंने कह दिया। वो यार, वो मेरी बोटी है, उसका जो मन करेगा मैं उसको ला के दूंगा ना। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो जगह वीर जी आपको ला के देते है ना। तू समझ क्यों नहीं रहा है? तूने आज सुबह यूवी को नहीं देखा? उसने कितने बदतमीजी के साथ मेरे से बात की। What the hell? कौन भोंक रहा है इतनी सुबह सुबह? पता है ना इस टाइम सो रही होती हूँ, तो जरूरी है कि इस टाइम यहाँ पे आके चीखना? राने, अपनी इस वोटी ने समझा दे कि मेरे साथ ना तमीज नाल करे। You just shut up. मैंने सब सुन लिया है। नहीं, इस घर में कुछ भी होता है ना, उसका ब्लेम मेरे सिर पे डाल देते हैं। यूवी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका गुस्सा आप मेरे पिज्जा पे निकाल लोगे? आप जाके ना यूवी को कंट्रोल करो, मेरे पिज्जा पे गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। आई समझ? और मेरा जो मन करेगा ना, मैं वो खाऊंगी, वो मंगवाऊंगी। इसके बाप में हिम्मत नहीं है कि जो मुझे रोक ले। गॉट इट? मैम, मैंने मौका देख के पाउडर सब्जी में मिला तो दिया था, पर वो अचानक से मेहर आ गई और मेरे हाथ से गिर के बॉटल टूट गई। मैम, व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आई एम रियली सॉरी मैम। तुम्हारी सॉरी से तुम्हारी गलती ठीक नहीं हो जाएगी। पता कितनी रेयर मेडिसिन थी वो, कितनी मुश्किल से मंगवाई थी मैंने वो चाइना से। मैम एक चांस दीजिए, प्लीज एक लास्ट चांस मैम, आई प्रॉमिस इस पर कोई गलती नहीं होगी। वैसे भी परम आज उस दवाई का फर्स्ट डोज अपने खाने में खाने वाला है। मैम एक लास्ट चांस प्लीज मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से मंगवाऊँ वो मेडिसिन? सरबजीत जी, सरबजीत जी, मैं वो धीरे बोलिए, अभी कच्ची नींद में। आपको बड़ा पता है। नैर जी, मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब? मतलब ये कि ये आपका पहला बच्चा है, लेकिन मेरा दूसरा। और इस हिसाब से मैं आपका सीनियर हुआ और आप मेरी। सरबजीत जी, ऐसा है कि ये मेरा दूसरा बच्चा ही है। पी फॉर परम मेरा हमेशा पहला बच्चा रहेगा, इसलिए आगे से ऐसे फिर से मत बोलिएगा। लेकिन मैर जी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ, आपका तो वो मतलब कभी होता ही नहीं है, राइट? देखिए, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? मैं लड़ रही हूँ तो झांसी की रानी मैं बन रहा हूँ। देखिए सरबजीत जी, आप देखिए, मैर जी उठ जाएगा, थोड़ा धीरे बोलिए। पता है बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने इसे। सुलाया? मुझे तो लगता है आपने रुलाया होगा इसे। मतलब ये कि इसे सुला के मैं गई, जरूर आपने कोई खटर पटर करके इसे उठा दिया होगा। अच्छा, आप अंतर्यामी हैं? हाँ हूँ। जी नहीं, आप सिर्फ बांदरी हैं, बांदरी। ओके, देखिए ज्यादा बोलेंगे ना तो आपको जमाल घोटा पिलाकर आपकी फेवरेट जगह पहुंचा दे। देखिए मैजी, फिर बैठे रहना वहीं पर। जमाल घोटे वाली बात मुझे बार बार मत याद दिलाइएगा। क्यों, गुड़गुड़ हो रही है? मैजी, देखिए आप, कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो माफी मांग लीजिए, कह दीजिए सॉरी और गलती मान लीजिए। सॉरी मैं बोलूं? ऑफ कोर्स मैं बोलूं। ऑफ कोर्स आपको सॉरी बोलनी चाहिए, आपने लड़ाई शुरू की। सरबजीत सिंह गिल, आपने शुरू करी। आपने 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 शुरू की। आपने शुरू। सॉरी पुत्र जी, आपके पापा है ही लड़ाके। बेटा, मम्मा की बात नहीं मानते हैं, ओके? आप तो पार्टनर हो ना मेरे, है ना? जाके पर्दा बंद कीजिए। ओ या।
मैडम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आखिर ऐसी कौन सी दवा है जो परम को खिलानी बहुत जरूरी है? दिमाग कमजोर करने की दवा। वो दवा परम के दिमाग की सोचने और समझने की ताकत खत्म कर देगी और उसका दिमाग डेवलप होना भी बंद हो जाएगा। केकल परम स्पोर्ट्स का पीरियड है और तो ग्राउंड में नहीं आया। परम का मूड खराब है, किसी ने कुछ कहा तो बता, अभी कसून मार के उसके बुत्ती सुझा दूंगा। नो ओ यार परम, मेरे पेट में चूहे भांगड़ा कर रहे हैं, तभी तो मैं ग्राउंड से यहाँ पे आया भाग के। कैंटीन तो रिसेस में खुलेगी, परम तब तक तू अपना लंच बॉक्स दे दे, मैं थोड़ा सा खाऊंगा प्लीज। तू पूरा खा लियो, लेकिन ड्रेसेस में किसी ने देख लिया तो? ओए यूवी किसी के प्यार से नहीं डरता, इधर ले आ। What happened? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अभी तो बहुत बोल रहे थे। इसके मुंह में खाना है। स्पोर्ट्स के पीरियड में तुम दोनों ग्राउंड में होने की बजाय यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो। तुम लोगों को किसी का डर है या नहीं? मैम यूवी कह रहा था कि मैं किसी के पीओ से नहीं डरता। युवराज Go and spit in the bin. Stand up. Hands up. And keep like this. Chai, chai wala, chai wala, chai wala, chai wala. सरबजीत जी, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेहर जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो मैं आपकी नहीं, परम की बात कर रही थी। सरबजीत जी, कल रात को ऐसे परम नीचे, मेरे दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे। मेहर जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, करम दोनों ही थके हुए थे और फिर बांदरों को सुलाते सुलाते कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है सरबजीत जी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज से परम हमारे साथ ही सोएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक पालना ले आओ, हम उसे बेड से अटैच कर देंगे। छोटू भी सेफ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे लेफ्ट और राइट पे सोए। ओके डन। आज आप मलाई कोफ्ते ही खाओगे। बाय। बहुत गुस्से में गया स्कूल, पता नहीं टिफिन खाएगा भी या नहीं। रिसेस हो गया, अब देखता हूँ कौन समोसा खाने से मेरे को रोकता है। समोसे के साथ पराठे का स्वाद आ जाने। नो, मैं मम्मा कहती है कि कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। परम को लगा था कि मैं मम्मा परम के लिए समोसा बना देगी। कितना टेस्टी होता है ना समोसा। परम का कितना मन था, लेकिन मम्मा तो ओ यार फेंक ना सब्जी। कौन सा महर बुआ तेरे को यहाँ पे देखने के लिए आ रही है?